हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल निशा गार्डनिंग पे। आज मैं अपने टेरिस गार्डन पर बरसात के कुछ बेल वाली सब्जियों का बीज लगा रही थी, तो सोची कि मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। मैं अपने टेरिस गार्डन में बेल वाली सब्जी उगाने के लिए 20 जून से बुआई शुरू कर देती हूँ, क्योंकि 15 जून से नियम है पानी होने का, लेकिन हम लोग के यहाँ आते आते 20-22 जून हो जाती है। बीज लगाने पे 4 से 5 दिन लग जाते हैं जमीन से अंकुर कर बाहर आने में। बीज की बात की जाए तो सबसे अच्छा बीज होता है, अगर आप सब्जी उगा रहे हैं तो उसका एकदम फल छोड़ दें, तो उसे पक कर सूखने दें, उसमें बहुत ही अच्छा बीज बनकर तैयार होता है। और उसे पता, उस बीज के बारे में पता होता है कि वो किस नस्ल का है, या फिर पहली बार लगाना है तो अच्छे बीज के नस्ल मार्केट से ले लें, फिर अगले सीजन के लिए घर पर खुद ही बीज बनाएं। बरसात के बीज लगाने के लिए मई जून के महीने में मिट्टी को पहले अच्छी तरीके से उलट पलट कर सुखा लें, उस मिट्टी को भुरभुरी और हल्की बनाएं। मैं अपने टेरिस गार्डन के लिए मिट्टी को हल्का करने के लिए मिलाती हूँ 20% में किचन कंपोस्ट और गाय के से बना हुआ गोबर का खाद, 20% धान की भूसी, 10% बालू या रेत, 5% में ज़्यादातर उपले या कंडे की छाई और नीम के पत्तों की छाई और कुछ लकड़ी की छाई, फिर उसमें 45% मिट्टी मिलाकर अपने टेरिस गार्डन के लिए हल्की और प्लांट के जड़ फैलाने के लिए भुरभुरी मिट्टी बनाकर तैयार करती हूँ। इस तरीके से एक भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है और नेचुरल तरीके से मिट्टी बनकर तैयार होती है। ये जो बीज लगा, ये झिंगनी का बीज था, इसे मैं पिछले साल अपने प्लांट से तैयार की थी। मैं बीज लगाने के बाद में उपले या कंडे की छाई ऊपर से जरूर छिड़क देती हूँ, क्योंकि ये फंगस नहीं लगने देता है और मिट्टी भुरभुरी होती है, जिससे उसे अंकुरने और जड़ फैलाने में आसानी होती है। मुझे जब भी कोई सब्जी लगानी होती है तो मैं पहली बार बीज मार्केट से लेती हूँ और फिर अगले बार के लिए मैं बीज खुद से तैयार कर लेती हूँ। मैं अपने मिट्टी में लकड़ी के छोटे छोटे कोयला का टुकड़ा और उपले जब जलाते हैं तो उसे पूरी तरीके से नहीं मसलती हूँ, उसके कुछ टुकड़े रहने देती हूँ, वो टुकड़ा मैं मिट्टी में मिला देती हूँ, क्योंकि ये दोनों चीज़ मॉइस्चर को होल्ड करके रखता है, जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहती है और हमारे प्लांट को जब जब ज़रूरत होती है तो वो अपना खाना और पानी वहाँ से लेते रहता है। बीज जब भी लगाएं तो ज़्यादा लगाएं, क्योंकि कभी कभी बीज की जर्मिनेंट नहीं होती है और कभी होती भी है तो कोई प्लांट कमज़ोर सा हो जाता है, तो कमज़ोर प्लांट को निकाल दें और स्वस्थ प्लांट ही अपने कंटेनर में रहने दें। एक कंटेनर में 2 से 3 ही प्लांट रखें, इससे उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। उस प्लांट को चाहे तो आप दूसरे कंटेनर या ग्रो बैग में लगा दें, वो फिर आपका ठीक हो जाएगा प्लांट। मैं अपने मिट्टी में बीच बीच में अंडे का चूर करके छिलके को डालते रहती हूँ। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।